नमस्कार। आज के इस सत्र में शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन, विश्लेषण एवं समाधान करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, विद्यालयी पाठ्यचर्या में खेल और शारीरिक कार्यकलापों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? स्कूल करिकुलम में गेम्स, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज, इसका क्या लक्ष्य होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है? चार विकल्प है, कक्षा कार्य की निरसता से अल्प विराम, सभी विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संचेतना को प्रोत्साहन, विद्यालय के नाम और उसकी प्रतिष्ठा का उत्थान, खेलों में प्रतिस्पर्धा योग्यता का पोषण। चारों विकल्प में सभी में कुछ न कुछ सत्यता है कि जब हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, तो कक्षा कार्य की निरस्ता से थोड़ा सा हमें विराम मिलता है, कुछ और तरह के हल्के फुल्के माहौल की चीजें होती हैं। और कई स्कूल्स होते हैं जो गेम्स स्पोर्ट्स में इसलिए बहुत जोर देते हैं कि उनके स्कूल का नेम एंड फेम होगा, उनके रेपुटेशन बढ़ेगा, उनके पदक भी विजेता होंगे उनके स्कूल से, तो इसलिए भी बहुत जोर देते हैं। और कुछ लोगों की, कुछ टीचर्स की ये मान्यता होती है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाएंगे तो उनमें कम्पिटिटिव एबिलिटी आएगी, जिससे कि आगे चल करके हुए पदक जीतने के लायक होंगे। तो सभी में कुछ ना कुछ सत्यता है, लेकिन एज ए टीचर अगर हम देखें तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है, जो फिजिकल एक्टिविटी है, उसका मुख्य उद्देश्य न तो स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाना है और न ही उनमें कम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करना है, एबिलिटी डेवलप करना है, और न ही कक्षा कार्य की निरस्ता से विराम पाना है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में स्वास्थ्य संचेतना को प्रोत्साहित करना। इसको स्वास्थ्य संचेतना कहते हैं हेल्थ कॉन्शियसनेस। तो हेल्थ कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है स्टूडेंट्स में, उसको प्रमोट करना है, और इसीलिए फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, गेम्स स्पोर्ट्स स्कूल में होने चाहिए। आंसर बी इसका सही है। आपकी कक्षा के बाहर कुछ शोर हो रहा है, ऐसी अवस्था में निम्नलिखित में से आप क्या करना चाहेंगे? मतलब आप एज ए टीचर हैं और आपके इस क्लास के बाहर कुछ शोर हो रहा है और उस शोर पर आपका बस नहीं है, क्योंकि अगर शोर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम उसको रुकवा देंगे, लेकिन वो बस में नहीं है, तब क्या करेंगे? चार विकल्प हैं, अपनी आवाज को ऊंचा कर देंगे। एक विकल्प हो सकता है कि जितने शोर हो रही है उससे ज्यादा ऊंची आवाज में हम बोलें। दूसरा, बच्चों को कहेंगे कि वे चुपचाप अपना दिया कार्य करते रहें। तीसरा, कार्य बंद कर देंगे तथा विद्यार्थियों को जब तक शोर समाप्त नहीं हो जाता विश्राम करने को कहेंगे, और कमरे की खिड़कियों और दरवाजे बंद कर देंगे और उनको कुछ लाभदायक बातें लिखवाएंगे। अब एक तो कि बच्चों को कहेंगे वो चुपचाप अपना दिया कार्य करते रहें, तो इससे उनका डिस्टरबेंस कम नहीं होगा, और कक्षा कार्य बंद कर देंगे तथा विद्यार्थियों को जब तक शोर समाप्त नहीं होता विश्राम करने को कहेंगे, इससे टीचिंग डिस्टर्ब होगी, बाधित होगी, अपना अपना शिक्षण बाधित होगा। तो ये दोनों विकल्प तो सही नहीं है। आवाज ऊंची कर देना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर शोर ज्यादा होगा तो यह काम नहीं आएगा। ऐसे में अगर हम कमरे की खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देते हैं तो शोर थोड़ी कम हो जाएगी, और उसके बाद उनसे हम कक्षा कार्य करवाएंगे, कुछ लिखवाएंगे या कुछ लिखने के लिए कहेंगे, तो वह काम चल सकता है। इसलिए टीचिंग को बिना बाधित किए, अपने शिक्षण को बिना बाधित किए, शोर को जब हम नहीं रोक पा रहे हैं बाहर से, तो हम खिड़की दरवाजे बंद करके कुछ शोर को कम करेंगे और अंदर कक्षा कार्य करवाएंगे। इसलिए आंसर डी सही होगा। इसके लिए अधिगम में आगमनात्मक उपागम का अर्थ है, आगमनात्मक उपागम, इसको कहते हैं इंडक्टिव अप्रोच। दो अप्रोच होते हैं, डिडक्टिव अप्रोच एंड इंडक्टिव अप्रोच, आगमनात्मक उपागम और निगमनात्मक उपागम। तो अब देखते हैं इंडक्टिव अप्रोच का अर्थ क्या है। यहाँ पर चार विकल्प हैं, बच्चों को नए विषय में दीक्षित करना, विशिष्ट अनुदेश के द्वारा अध्ययन, व्यक्तिगत अधिगम की बजाय समूह अधिगम, और उदाहरणों की सहायता से सामान्यीकरण करना। इंडक्टिव अप्रोच में से नए विषय में दीक्षित करना, इसका कोई प्रसंग नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और विशिष्ट अनुदेश के द्वारा अध्ययन मतलब स्पेशल इंस्ट्रक्शन, तो यह भी नहीं है इसमें। और व्यक्तिगत अधिगम, इंडिविजुअल लर्निंग के बजाय ग्रुप
लर्निंग की बात की जा रही है, इसका भी इंडक्टिव या डिडक्टिव अप्रोच से कोई लेना देना नहीं है। दोनों ही अप्रोच, इंडक्टिव डिडक्टिव, आगमनात्मक निगमनात्मक, दोनों ही अप्रोच में एबीसी को कोई लेना देना नहीं है। डी जो है उदाहरणों की सहायता से सामान्यकरण करना, विद एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके द्वारा एक जनरलाइजेशन करेंगे, एक नियम या सिद्धांत तक पहुंचेंगे, तो यह आगमनात्मक उपागम का अर्थ निकलता है इसमें। और निगमनात्मक में ठीक इसके उल्टा हो जाएगा कि कोई सिद्धांत या नियम लेंगे, सामान्यीकरण लेंगे और उसकी पुष्टि उदाहरणों के द्वारा करेंगे। तो यहाँ पर आगमनात्मक उपागम का अर्थ है उदाहरणों की सहायता से सामान्यीकरण करना, उत्तर डी इसका सही है। विद्यालय में पेरेंट टीचर एसोसिएशन का उद्देश्य है, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन माता पिता तथा टीचर्स के जो एसोसिएशन का क्या उद्देश्य है, विद्यार्थियों को नियंत्रण में रखना, अध्येताओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त धन संग्रह करना, विद्यालय के सम्मुख आने वाली समस्याओं में भागीदार होना और अभिभावकों के इच्छा अनुसार पाठ्यचर्या में परिवर्तन लाना। तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन का किससे, पेरेंट टीचर एसोसिएशन का उद्देश्य किससे मिलता है, तो विद्यार्थियों को नियंत्रण में रखना। कुछ लोग समझते हैं कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन इसलिए होना चाहिए कि विद्यार्थी को डराया धमकाया जाए पेरेंट्स के सामने और पेरेंट्स को कहा जाए ताकि वो बच्चों को अपने नियंत्रण में रखना सीखें, सिखाएं, उनको डांटे फटकारें ताकि स्कूल में बदमाशी न करें, लेकिन यह इसका उद्देश्य नहीं है। और अतिरिक्त धन संग्रह करने से कोई मतलब नहीं है पेरेंट टीचर एसोसिएशन का। अभिभावकों के इच्छानुसार पाठ्यचर्या में परिवर्तन लाना, यह तो कतई नहीं है, तो कहीं से लेना देना नहीं है। विद्यालय के सम्मुख आने वाली समस्याओं में भागीदार होना, मतलब जो पेरेंट्स होंगे वो भागीदार होंगे, वो उसको समझेंगे कि विद्यालय के सम्मुख किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। यहाँ पर इसका सेंस है कि विद्यालयों के सम्मुख बच्चों से संबंधित या स्टूडेंट्स से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं उसको शेयर करना है अब पेरेंट्स के साथ और समस्याओं का समाधान करना है। और चूंकि जो प्रॉब्लम्स हैं टीचर्स की वो पेरेंट्स से शेयर करना, और पेरेंट्स भी अपने प्रॉब्लम्स टीचर से शेयर कर सकते हैं, और इसी समस्याओं को, इन्हीं समस्याओं को जो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है बच्चे की या कोई भी डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उसका समाधान करना ही पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का उद्देश्य है, कि माता पिता और पेरेंट्स और शिक्षक सब मिलकर के इसका समाधान करें। आंसर सी इसका सही है। भाषा सीखने में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उपयुक्त है, लैंग्वेज लर्निंग की बात है और इसमें श्रवण, कथन, लेखन, वाचन, तीन चार चीजें हैं। श्रवण कहते हैं हियरिंग को, लिसनिंग को, कथन कहते हैं स्पीकिंग को, लेखन कहते हैं राइटिंग को और वाचन कहते हैं बोलने को। जो पढ़ा, जिसको हम पढ़ना कहते हैं, मतलब लिखे हुए को पढ़ने को वाचन कहते हैं। तो वाचन रीडिंग हो गया। तो अब यहाँ पर चार विकल्प हैं, तो हम लोग यह समझ लें कि भाषा का जो सीखना है, सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है वह सुनता है, औरों को बोलते हुए वह सुनता है, तो श्रवण पहला स्टेप होगा। उस सुने हुए के आधार पर वह नकल करता है और बोलने का प्रयास करता है, तो इसलिए श्रवण के बाद कथन होगा। कथन के बाद उसको जब ये ओरल हो गया तो राइटिंग में आता है। राइटिंग में पहले वह अक्षरों को पहचानता है, उसको पढ़ता है, तो इसलिए वाचन होगा, मतलब रीडिंग, और तब लिखना सीखता है तो राइटिंग। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग, यह सही क्रम है और यह सही क्रम सी है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। दंड का मुख्य प्रयोजन होना चाहिए, पनिशमेंट क्यों होना चाहिए, उसका क्या मुख्य प्रयोजन उद्देश्य है, तो बच्चे को डराना कि वह गलती की पुनरावृत्ति न करे, दूसरों को डराने के लिए कि वे गलती न करें या दोबारा न करें, कानून या नियम की रक्षा करने के लिए और गलती करने वाले विद्यार्थी को सुधारने के लिए। इसमें पहला विकल्प अट्रैक्ट कर रहा है कि बच्चे को डराना कि वह दोबारा गलती न करे, पुनरावृत्ति न करे, लेकिन यह तो उद्देश्य है। और जहां तक है दूसरों को डराने के लिए भी यह हो सकता है कि दूसरों को डरा दें ताकि और लोग और बच्चे इस तरह के कोई काम न करें, नहीं तो दंड मिलेगा, और नियम की रक्षा करने के लिए यह भी सोचा जा सकता है। लेकिन मुख्य जो प्रयोजन है इसका कि बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, उनको सुधारने के लिए हमें दंड देना चाहिए, न कि पनिश करने के लिए, न कि डराने के लिए और न ही नियम के लिए, क्योंकि नियम
मनुष्य के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, बच्चे नियम के लिए नहीं होते हैं, इसलिए सी नहीं होगा। तो गलती करने वाले विद्यार्थी को सुधारने के लिए ही दंड का प्रावधान होना चाहिए। अगर दंड का करते हैं तो, हालांकि आज के समय में दंड को बहुत उचित नहीं माना जाता, फिर भी इसमें जो आंसर है वह डी होगा। एक अध्यापक के रूप में आप निम्नलिखित में से किससे सहमत नहीं हैं? विकल्प हैं, कुछ अर्थों में विद्यालय को परिवार का विस्तार होना चाहिए, विद्यालय एक लघु समुदाय की तरह होना चाहिए, विद्यालय को सामाजिक प्रभावों से पूर्णतः बचना चाहिए, विद्यालय ऐसा स्थान हो जहां बच्चों की क्षमताओं को विकसित किया जाता है। अब सहमत किससे नहीं है और किससे हैं, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कुछ अर्थों में विद्यालय को परिवार का विस्तार होना चाहिए। तो परिवार के जो स्थिति है उसी का एक्सटेंशन हो स्कूल, और बिल्कुल परिवार से बिल्कुल विपरीत नहीं होना चाहिए, बच्चों को लगे कि वह एक परिवार की ही तरह माहौल में आए हैं, तो यह बात से हमें सहमत होना चाहिए, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। विद्यालय एक लघु समुदाय की तरह होना चाहिए, एक कम्युनिटी की तरह, तो कम्युनिटी की तरह तो विद्यालय होना ही चाहिए सामाजिक विकास के लिए, तो इसलिए इससे भी हम सहमत होना होगा, यह भी आंसर नहीं होगा। विद्यालय को सामाजिक प्रभाव से पूर्णतः बचना चाहिए, और डी है, विद्यालय ऐसा स्थान हो जहां बच्चों की क्षमताओं को विकसित किया जाता है। तो इससे तो हमें सहमत होना ही पड़ेगा कि विद्यालय ऐसा स्थान हो जहां बच्चों की क्षमताओं को विकसित किया जाता है। तो ए बी और सी से तो हमें सहमत होना ही होगा। तो सी देखते हैं, विद्यालय को सामाजिक प्रभाव से पूर्णतः बचना चाहिए, सामाजिक प्रभाव से पूर्णतः बचने की बात की जा रही है, जबकि सामाजिक प्रभाव से पूर्णतः बचा नहीं जा सकता, क्योंकि विद्यालय भी उसी समाज में कार्य करता है, उसी समाज से बच्चे आते हैं, उसी समाज से शिक्षक आते हैं, उसी समाज से अन्य जो कर्मी है वे आते हैं। तो ऐसे में सामाजिक प्रभाव से पूर्णतः बचने की न तो संभावना है और न ही उचित है, बल्कि समाज की जो अच्छी बातें हैं उसका प्रभाव विद्यालय में पड़े ये तो अच्छी बात है, केवल जो बुराइयां हैं उससे बचाव की जरूरत है, लेकिन जो अच्छी बातें हैं समाज में, अच्छे मूल्य हैं, अच्छे संस्कार हैं, समाज की जो प्रथाएं हैं, समाज में जो कल्चर है, उससे बचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तालमेल बिठाने की जरूरत होती है। तो सी से हम सहमत नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। परीक्षा प्रणाली को सुधारने की सर्वोत्तम विधि है। परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए क्या क्या ऐसा है? कोई परीक्षा ही न ली जाए, यह तो कोई विकल्प नहीं हुआ। केवल आंतरिक मूल्यांकन हो, केवल बाह्य मूल्यांकन हो, आंतरिक मूल्यांकन तथा बाह्य आकलन एक दूसरे के संपूरक के रूप में हो। यहाँ पर जो है केवल आंतरिक मूल्यांकन भी सही नहीं होगा, केवल बाह्य मूल्यांकन भी सही नहीं होता है। बाह्य मूल्यांकन में बहुत सी क्षमताएं जो है बच्चों की वह अनदेखी रह जाती है और उसका सही मूल्यांकन नहीं होता, और आंतरिक मूल्यांकन में बहुत से सब्जेक्टिव एलिमेंट आने के खतरे होते हैं। इसलिए आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल इवेल्युएशन एंड एक्सटर्नल असेसमेंट एक दूसरे के संपूरक होने चाहिए, कंप्लीमेंट्री होना चाहिए, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करें, एक दूसरे के संपूरक बने आंतरिक मूल्यांकन तथा बाह्य आकलन। इसलिए केवल आंतरिक और केवल बाह्य से हम सहमत नहीं होंगे, तो इसका सही आंसर डी होगा। विद्यालयों का संबंध मानव विकास से है जिसमें ऐसे वर्ण सम्मिलित हैं जिनका संबंध है। प्रश्न को समझते हैं, विद्यालयों का संबंध मानव विकास से है, बिल्कुल ये बात सही है, जिसमें ऐसे वर्ण, ऐसे चॉइसेस सम्मिलित हैं जिनका संबंध है। तो विद्यालयों का कौन से चॉइसेस हैं जो संबंधित है? लंबे व स्वस्थ जीवन बिताने से, ज्ञानार्जन से, एक उत्तम जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता से, और उपयुक्त सभी। तो विद्यालय का जो चॉइसेस है, विद्यालय के जो वर्ण है, वह लंबे व स्वस्थ जीवन बिताने से सीधा सीधा संबंधित नहीं है। स्वास्थ्य से संबंधित तो है, लेकिन लंबे और स्वास्थ्य जीवन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। और एक उत्तम जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता से, उत्तम जीवन से तो संबंधित है, लेकिन उसके लिए जो रिसोर्सेस अवेलेबल होने चाहिए इससे विद्यालय का लेना देना नहीं है, उसके लिए अन्य एजेंसीज हैं। तो विद्यालय जो है मानव विकास में क्या करता है? ज्ञान अर्जन से संबंधित है, तो नॉलेज एक्विजिशन से, इसलिए इसका आंसर बी होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया, विश्लेषण किया, समाधान किया। आशा है आपके लिए यह उपयोगी होगा विश्लेषण। कोई आपके मन में बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आज के इस सत्र में इतना ही। धन्यवाद।